वेलकम टू बस कर, मैं हूं अली सलमान और खवातीन हज़रात, हद है जहालत की। एसी है मगर ठंडी हवा नहीं आ रही, पानी ठंडा नहीं हो रहा। कैरन बैठी है मगर आवाज नहीं निकल रही। शहजाद बैठे हुए हैं मगर आज को मसला नहीं है उनके पास। मुस्तफा बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रही कि गिव एंड टेक किधर करनी है। और पंजाबी फिल्मों की हीरोइन बैठी है, उसका गंडासा गुआ रही है। असगर भाई भी बैठे हैं, अच्छा वो तो कभी नहीं बैठते। हर वो चीज जो बैठी हो किसी भी वक्त खड़ी हो सकती है, खासतौर पर डायरेक्टर। कोई ऐसा काम करने से परहेज करे जिसमें आपको बैठ के एक जापानी सोमो रेसलर की तरह हंसना पड़े। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? लोग कहते हैं हद है जहालत की, आपको देख के पता नहीं क्यों लग रहा है आगाज है। मैं तो पढ़े लिखो वाली गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब के आने से पहले डॉक्टर बन जाऊँ। आगाज जहालत का आयाम, के आयाम जो है वो कब शुरू हुए थे? आयाम का मतलब? अयान अली जब पैसे ले, सॉरी, आयाम का मतलब समझाइएगा इनको यार। दिन दिन, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वाह। वो किसी ने ना खातून से पूछा, वो जर्मन खातून आई थी, किसी खातून से पूछिए गांव में हाउ डू यू स्पेंड द डे, कहती है की दसा पहन दिन सारा चूल्हे थे, रात भी सारी चूल्हे थे, मैं तो बच्चों ने पका पका के खवाने खवाने मर गया। खान तू याद है, तू खाती पीती नहीं है भाई? कैरन बहुत खा रही हूँ आजकल। हलाल खाया कर तुझे लगे? नहीं, लग रहा है। वेट, वेट गेन कर लिया। किसी पे निगाहें, किसी पे निशाना किया था। आजकल ये गम खा रही हैं जो हुआ इनकी पार्टी के साथ। देखिए बात ये है कि कासिम के अबू और जुनेद की अम्मी के दरमियान जो मैच पड़ा उसके विक्टिम हम सारे पता नहीं क्यों हैं। आइए चल के डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हद जहालत आयाम जहालत से। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। हमें देखे हमारा पसीना नहीं रुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ठंड है स्टूडियो में। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ किसी को परवाह तो नहीं है, मुल्क में तब्दीली आए ना आए। मेरी अम्मी कहती है, मेरी अम्मी कहती है बेटा तुझे अगर इतना बुरा लगने का शौक है किचन में जाके बैठ जाया कर। मैं उनकी समझावा, मुल्क में तब्दीली आए ना आए, हमारे शो में तब्दीली आ चुकी है। डॉक्टर साहब और मुस्तफा खाकी पहन कर आए हैं। लव मई के बाद से पहने आंख में क्या क्या सूरत है वो लफ्ज़ क्या डॉक्टर साहब? पिन्हा, पिन्हा। डॉक्टर साहब ये जहालत जो है ये ऐसा लगता है जैसे इसने हमारा ना एक घेराव किया हुआ है। एक तो लोगों का पहले वो पॉलिटिकल डिस्कशन से फरागत नहीं मिलती थी, अब उधर से फारिग हुए तो वो मतलब अभी आते हुए मतलब बाय गॉड मैंने सिर्फ एक मोटरबाइक वाले को सिर्फ ओवरटेक किया है, उसने पीछे अन्य नजर नहीं आ रहा। यो सिर्फ ये नहीं बोला मैं पीछे ही था। नहीं, मैं बाइक वाले के पीछे था, अन्य के अलावा भी बहुत कुछ बोला। उस बाइक पे तो पीछे लड़की भी बैठी थी, मैं आप समझ आ गया कि आप बाइक वाले के पीछे ही होंगे। अच्छा, जो है वैसे जहालत जो होता है उसको इग्नोरेंस कहते हैं, वो तो ब्लिस होती है, किसी चीज का इल्म ना होना। ब्लिस कोई नहीं होती। हाँ, ये जिस शायर ने लिखा था ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, उसका अगला मिसरा भी पढ़े, उसने कहा कि अगर इग्नोरेंस ब्लिस है तो फिर जो हमाकत है वो बड़ी अकल वाली है। वाह 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 वाह, इग्नोरेंस इज अब्लिस, इसको अंग्रेजी में क्या होगा? तो असल में बात ये है कि जो इग्नोरेंस होता है आपको इल्म ना होना, वाह, पता ना होना, पता ना होना, अपनी जहालत में रहते रहो। हमारे यहाँ जो है जहाल का लफ्ज एक ऐसा है कि वो है कि इल्म के साथ साथ इल्म होते हुए आप उसका गलत इस्तेमाल करें तो हम उसको भी जाहिल कहते हैं। अच्छा, ये तो अब आपने ना मुझे दो लोग, एक तो आप मुझे इग्नोरेंस से ब्लिस समझ आ गया जो सबसे राइट पे बैठी है, एक पता होते हुए भी गलत इस्तेमाल है जो मोबाइल। नहीं नहीं नहीं, पता होते हुए गलत इस्तेमाल। मैं तो शहजाद की तरफ जा रहा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने सोचा अपने बारे में। नहीं नहीं, ट्विटर पे बहुत लोग मुझे पढ़ा लिखा जाहिल बोलते हैं, बिल्कुल इनको इनको मुझे नहीं। जहालत की डेफिनेशन क्या? जहालत का मतलब है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड है ना, जिसने इल्म हासिल नहीं किया। और पढ़ा लिखा जाहिल? पढ़ा लिखा जाहिल वो होता है कि जिसके पास इल्म तो है लेकिन वो उसका इस्तेमाल गलत कर रहा है। अच्छा, मेरी तरफ उंगली ना करे, मैं समझ नहीं। आप जो है बहुत महजब और पढ़े लिखे आदमी है। बेटा मुझे भी रिपीट करना पड़ेगा, आप तो जेन्युइनली है ना, मैं इधर कर देता हूँ। मुस्तफा तू बहुत पढ़ा लिखा। थैंक यू सर, बस काश मैं तुझे महजब भी कह सकता।
कि आप इस्तेमाल करते नहीं, इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल में जहालत की भी कैटेगरीज हैं। एक तो जाहिल वो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इलिटरेट अगर आप हैं, अनएजुकेटेड, तो आप जाहिल हैं। एक जाहिल वो है जो कि लिटरेट भी है और उसके पास बहुत सारी डिग्रियां भी हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इन द सेंस कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, या वो किसी को मिसट्रीट कर रहा है, या किसी के साथ बुरा बिहेव कर रहा है, तो ये भी जहालत है। डॉक्टर साहब, हमारी एंडिंग जो भी होगी मैं आपको बता सकता हूँ, खुश हम रहेंगे। गाड़ी सिग्नल तोड़ना भी जहालत है। बिल्कुल। और क्या जहालत? अच्छा, जानने को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, वो जहालत। जानने को ना जानना भी जहालत है। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, उसके कलम तोड़ दिया। जो जानते हैं वो मानते नहीं, जो मानते हैं वो जानते नहीं। वाह वाह, तुम भी एक वैसी पढ़ी लिखी बात करो, इम्प्रेस करो हमें। नहीं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, बीच में कोई बकवास करे, तो उसको भी जहालत कहते हैं। नहीं नहीं, आज जो रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, मैं ये रमजान ट्रांसमिशन में जहालत की बात कब होती है यार? कपड़े पहन के बैठा हूँ, चीपा साहब होंगे। डॉक्टर ये बताएं कि आज खाके में क्या है? आज डोनाल्ड ट्रंप। इल्म के हिसाब से आपने डोनाल्ड ट्रंप रखा है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को ही क्यों चुना? आपने बिल क्लिंटन को क्यों नहीं चुना? आज हमारा टॉपिक था ना इग्नोरेंस। नहीं, हम अब पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम नहीं ले सकते, अब तो अब आप डायरेक्ट हो रहे हैं। आपका है डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं अब्राहम लंकन झूठ नहीं बोलता था, सदर निक्सन सच नहीं बोलता था, और ट्रंप को ये पता नहीं कि दोनों में क्या फर्क है। दूसरों के साथ तो सब झूठ बोलते हैं, ट्रंप तो अपने साथ भी झूठ बोलता है। उसे सेल्फ मेड बिलियनियर्स कहते हैं, उसकी शक्ल और स्टाइल देखकर यकीन हो जाता है ये सेल्फ मेड ही है, उसे बनाने में तो हजाम तक का कोई रोल नहीं। उसने साबित किया कि बंदा चाहे ट्रंप ही हो, मगर पास पैसा हो तो मिलानिया जैसी बीवी हो सकती है। माना, पैसे से मोहब्बत नहीं मिलती, महबूबा तो मिलती है। ट्रंप एक बहुत ही जहीन आदमी है, ऐसा ट्रंप खुद समझता है। वो अपनी जहानत के सबूत में अपना IQ नहीं, अकाउंट पेश करता है। वो एक मुकम्मल बिजनेसमैन है, वो ये नहीं सोचता उसके सदर बनने से अमेरिका को क्या फायदा हुआ, सोचता है अमेरिकी सदर बनने से उसे क्या फायदा हुआ। प्रपोज भी यूं करता है जैसे बिजनेस प्रपोजल दे रहा हो, लड़की देखते ही उसका दिल बेइज्जत होने को चाहने लगता है। बहस में किसी को जीतने नहीं देता, अगर कोई लड़की बहस में उससे जीत रही हो तो ये उसे फौरन पुरकशत जवाब देकर जीत जाता है। ट्रंप है शादीशुदा, मगर देखने में बेवा लग। ट्रंप हर चीज को इजी लेता है, उसने ट्रंप जैसी ब्ला को इजी लिया हुआ। अलबत्ता ट्रंप के बाल इमरान के बालों से ज्यादा बदतमीज हैं, जितनी मर्जी उठाओ फिर माथे पर किसी ड्रंक की तरह लेट जाएंगे। ट्रंप में अगर सेंस ऑफ ह्यूमर होता तो अपनी ही हरकतों पर हंस हंस कर मर जाता। 15 साल पहले जब वो कहता मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, तो अमरीकियों को शक होता ये लतीफा सुना रहा है। जब वो सदर बन गया और दुनिया हंसी, तो अमरीकियों को यकीन आया वाकई लतीफा सुना है। ट्रंप कहता है मेरे बाल दुनिया के बड़े बड़े हीरो से ज्यादा खूबसूरत है। भला कैसे? कहता है मेरे बाल जिस सर पर है उसके अकाउंट में $7 बिलियन। ट्रंप समझता है वो सब कर सकता है, अब उसने माना कि वो सब कर सकता है मगर औरतों को चुप नहीं करा सकता। उसने उनको बेशुमार डॉलर्स दिए, मगर वो फिर भी ज्यादा देर चुप नहीं रही। ट्रंप कहता है ओबामा का बर्थ सर्टिफिकेट जाली है, मतलब ओबामा पैदा ही नहीं हुआ। अलबत्ता अपने बारे में उसकी राय है कि मैं इतना मालदार हूँ, जब चाहूँ दोबारा पैदा हो सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ट्रंप जब सदर बनकर व्हाइट हाउस आया, तो उसने कहा अब मैं व्हाइट हाउस में बचकाना हरकतें करने वालों को कबूल नहीं करूंगा। तो स्टाफ ने कहा तो आप सदर बनकर व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगे? ट्रंप कोई भी गलती करे माफी दूसरे को मांगना पड़ती है, क्योंकि वो समझता है वो कभी गलती नहीं करता, और वो जो गलती करता है वो भी किसी दूसरे की गलती होती है। डॉक्टर साहब, ये ट्रंप का खाका था या मिलानिया का खाका था? लोगों की फरमाइश तो सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला था, ताकि खाके में भी हुसन आए। ग्लैमर,
भट साहब लोगों की फरमाइश पे खाके लिखते हैं। मतलब होता था शुरू में जब तकरीबात होती थी तो होता था कि वहाँ सीरियस लोगों ने भी पढ़ना होता था तो वो उनकी रिक्वेस्ट होती थी कि जो है आप भी पढ़ दें। नहीं, वो तो एक जमाने में ऐसे ही होता, शादी पे सिरे भी लिखे जाते थे। अच्छा, गुड ओल्ड टाइम्स। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं चाह रहा था मोनिका लेविंस्की पे भी खाका लिखे। असल में जो है ना वो अब उस दौर की है कि उसका खाका की सिर्फ मुझे और आपको समझ आएगी, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि लिख दिया जाए। नई नस्ल जो है उनकी मोनिका लेविंस्की भी कोई और है। उनका खाका बिल क्लिंटन कर चुके हैं। क्या कर चुके? बिल क्लिंटन उनका खाका कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अच्छा, पढ़ चुके हैं। ये आपने सुना, एक बार से एक इमदाद पे आवाज आई थी आपके लिए स्पीकर पे, जिसमें कहा था कि वो इंसान जब घुटनों पे होके किसी से फरियाद करे ना तो फिर दिल दुखी सा हो जाता है। नहीं, हमारे एक्टर्स के बारे में भी बहुत गलत बोला जाता है कि उनका ईगो है। मैंने उनको हमेशा बहुत हम्बल पाया है, अक्सर घुटनों पर होते हैं, छिले हुए घुटने। पता नहीं इन्होंने क्या कहा, मैं आपको समझ आया, प्लीज आप बताएंगे मुझे। आपकी बात पे हंसी आई है कि पता नहीं इन्होंने क्या कहा है, मतलब आपको भी समझ नहीं आई तो इन्होंने कुछ उल्टा ही कहा। उन्होंने क्या कहा? आपको भी समझ नहीं आई तो इसका मतलब इसने कुछ उल्टा ही कहा है। अगर आपको समझ आए, अगर तो कोई देखने वाला अकेला बैठा देख रहा होगा तो उसको समझ आएगी, अगर घर वालों के साथ बैठा देख रहा होगा तो उसको समझ नहीं आएगी। नहीं, आपको क्यों समझ में आएगी, आप इतने लंबे, दूसरे को जरूरत नहीं पड़ती घुटनों का। पैरी पहना और घुटनों में वो देखो, अब उस बेचारी को समझ नहीं, आप उसको समझाओ, कैरन को बताएं ना वो आप। अच्छा चलें, गैस करते हैं, छोड़ें, चीजें बताने वाली थोड़ी होती हैं, करने वाली होती हैं। आज डायरेक्टर और डॉक्टर एक ही सब में खड़े हो गए। लोगों को घुटनों पर लाने से हमें याद आया, आज के हमारे मेहमान है डॉक्टर साहब, आज इनके इंस्टीट्यूट से एक साहब जो है, इनका को पुराना ताल्लुक लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुस्कुरा रहे थे, उनकी जपियां डाल रहे थे, मैंने देखा था। बट एनीवेज, आवर गेस्ट फॉर टुनाइट, I don't want you guys to guess, because mere to bahut acche dost hain, I adore his work, he's one of the finest talent Pakistan has produced, but I wonder hum inko bahut zyada TV pe kyun nahi dekhte, padhate, tadreesh se inka taluq hai, darso tadreesh pe focus karte hain, generation samarne mein maa ka haath hota hai, usko improve karne mein ek acha ustad hota hai, और उस्ताद भी कुछ लोग होते हैं, उस्ताद पाना नहीं जरा आपको देख के, मैं तो उधर पे यकीन रख, हम बातें करते रहेंगे, प्लीज वेलकम। मैं क्या कहूँ, ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, ही रन्स अ थिएटर कंपनी, इज अ फिल्म एक्टर, इज अ मूवी स्टार, इज अ ड्रामा एक्टर, इज अ डायरेक्टर, व्हाट अ मल्टीफैसेटेड पर्सन, प्लीज वेलकम मिस्टर उमर रंग। ये गुलबर्ग से है, लिबर्टी वाला हमारे पास आ रही, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज उमर राना के स्किल्स हम टेस्ट करते हैं, आपने जहरा से कोई सीन करवाना है। जहरा से? ओहो, अच्छा ठीक है, और साथ ही होंगे हम लोग। नहीं, आप लोग सीन कराए फिर हम चलते। आप पहले सीन डिफाइन कर ले ना, थिएटर। नहीं, आप अपना डायरेक्टर कैपेबिलिटी दिखाएं, बताएं सीन क्या है। सीन ऑन है, सीन ये है कि ज़ारा बोल रही है, वो डायरेक्टर बताएंगे, वो डायरेक्टर ज़ारा के मियां छोड़ के चले गए शादी के मंडप पर। इस बात सुनो, मेरी बात सुनो, मियां मिला ही नहीं तो ज़ारा मिल जाए, मनहूस हो, यही सीन क्यों होता कि हर लड़की को आती है। उस दिन द अदर डे वी हैड एन एक्टर, आई मीन वन ऑफ द फाइनेस्ट, सलीम अला, तो ये उसका भी, उसकी भी छोड़ के जाने, मियां मिलने का सीन करते हैं, छोड़ के जाने का नहीं, मिलने का सीन करते हैं। तो डॉक्टर साहब वापस आ गए आज 3 साल के बाद, और माशाल्लाह 3 साल में तुम्हारा निकाह है जो 1 साल का हो गया है, अब हम वेलकम करते हैं। नहीं सॉरी, 6 महीने के बाद आ रहे निकाह है, तो 1 साल मैं भूल गया था, मैं समझा कि शायद भाई आप अपने तक ही रखें। सर आप सीन दे, सर ये देखें, ये इस शो का फॉर्मेट यही है कि बस इन्होंने सीन कर दिया, तुम पैदो नाल मची पड़ो। हाँ जी, बिल्कुल, आपका रिश्ता तय हुआ शहजाद के साथ, आपने कबूल किया क्योंकि बहुत खुश शक्ल थे, खुश तबीयत थे,
और जब आप वहां पहुंची तो पीछे चौधरी साहब नजर आ गए, ऐसा रिश्ता आपके साथ। अब आप चली गई है सख्ते में, ठीक है ना? वो खुदा की कसम 20 एपिसोड से सख्ते गई है। किसी कहते हैं मेथड एक्टिंग है, कास्टिंग भी कोई चीज होती है। लड़की आज बॉटम लाइन है, तुमने अच्छे से सकते हो। बस तो फिर मैं चुप ही रहती हूँ। सुनिधा सुन जी भाई बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्केट। उमर, एक आर्टिस्ट के लिए, एक अच्छे एक्टर के लिए, हम यहाँ आपके आने से पहले बात कर रहे थे, द सब्जेक्ट वाज जहालत। मतलब इन हैसुल कॉम में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि वो हमें और सैडली जाहिलों में फर्क महसूस नहीं। एक अच्छे एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, एक इंसान का पढ़ा लिखा और क्या कोई स्पेसिफिक पढ़ाई होनी चाहिए या एनीथिंग एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज इम्पोर्टेंट? मेरे नजदीक बुनियादी एक इंसानी एक फितरत है जो होनी चाहिए, वो है एहसास, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपके बस दिल, दिमाग, कान, आंख, ये खुला होना चाहिए। तो अब्सॉर्ब दैट एंड देन वर्क। अब पढ़ाई लिखाई इसमें किस तरह हेल्प करती है कि वो तो फिर, अब अगर मेरे अंदर एक खुदा ने हुनर दिए किसी चीज का, तो पढ़ाई लिखाई दुनियावी तौर पे मैं उसको बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। तो वो पढ़ाई विल एड ऑलवेज एड ऑल, वो आपको करना है टू हेल्प बेटर दैट। दैट्स एहसास तो है, दिमाग भी खुला हुआ है, कान भी खुले हुए, नाक और मुंह भी खुला हुआ है। अब इससे अगर शेक्सपियर करवाना पड़ जाए तो इसको कौन अंग्रेजी में शेक्सपियर की लाइनें सुनाएगा? मुस्तफा बताओ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, रट्टा अच्छा मारती हूँ। मैं तो मुस्तफा की बात कर रहा था, मुझे अच्छा लगा आपने अपने। तो आप बिल्कुल भेंगे नहीं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं भेंगा तो देख, मैं उधर आता निशाना, तो आपका इशारा ऐसा होता है और आप देखते ही ऐसे। जरा जरा हमारे दोस्त का एक जरा पर्सनैलिटी सेंस तो करें। ये एक रैपिड फायर है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, और जल्दी जल्दी जवाब। डॉक्टर वैसे तो आप पिस्तौल निकालते थे साइड से, ये लफ्ज भी जो है पिस्तौल ही है। रैपिड फायर, हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। एक एक तो बताएं हमें, दूसरी बताएं। जवाब देना, दो, वही दो। हाँ माशाल्लाह, शादीशुदा है तो दूसरे नंबर पर आप किस जानदार से सबसे ज्यादा डरते हैं? मैं एक बाप भी हूँ लिहाजा औलाद से। हर आदमी औलाद से डरता है वैसे, औलाद की नाराजगी से डर लग। औलाद से पहले किसे डरते, चले वो तो खैर रैपिड में नहीं आगे चल। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? मैं सोच रहा था ये पतलून पहनवा के चलो आज आखिरी दफा पहन ले। ये अगर आपकी तरफ से ना होते मैं आपको भी बता दो, कहते सुड़ दे वैसी बैठ के। वो कहने सोचा था अभी पतलून नहीं थी। लेकिन हम सब उम्मीद से हम नहीं है जो इनकी तरफ से जो आए। लड़की बनने का ऑप्शन है, किस जैसी बनेंगे, कौन बनेंगे? मैं बनूंगा क्लोनी की जो बीवी है। आए हाय हाय, वो जो अमल, अमल कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? कोई कौन है वो बैठी हुई है, चांस मिले अपने आप को रिवाइंड भी कर सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे? दोनों। तारीफ करने का मूड हो तो किसकी करेंगे? तारीफ करने का मूड हो तो आपकी कर लेंगे। बड़े प्यारे लग रहे हैं, झूठ ही बोलना थोड़ी कर दे आपको, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब मूड बना लेते हैं जरूरत के वक्त। बड़ा फैशन डिजाइनिंग वाला आपने जवाब दिया। मर्द को दर्द नहीं होता, इस नॉन मेडिकल बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। औरत की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है? ग्रेस और इंटेलेक्ट। यार बात सुने, अब आप अगर आपसे पूछा जाए ग्रेस का और इंटेलेक्ट का है तो जरा नहीं है चांस, नहीं है सारा चांस। चौधरी साहब और ग्यास में भी देख रहा हूँ मैं। सुबह उठे और आपको पता चले दुनिया में आप अकेले ही रह गए हैं तो क्या करेंगे? सो जाऊंगा। सवाल चेंज होना चाहिए कि अगर आपको पता चले कि इस दुनिया में सिर्फ आप अकेले हैं तो क्या तब भी आप कपड़े पहन के घूमेंगे?
तब मैं ये पतलून फेंक दूं। अच्छा क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? हालांकि कुत्ते तो कभी काम नहीं करते, लेटे रहते हैं। मैं खुदा की कसम कुत्तों की तरह दिन रात काम नहीं करता, बस कुत्ते वाली होती है मेरे साथ। जिंदा होने के अलावा आप किसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? जिंदा होने के अलावा मेरे ख्याल से मेरी एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब तक मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। माशाल्लाह, ब्लेस देम, ब्लेस देम। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास पहले मौजूद होती है, आप उसे फिर खरीद लाते हैं? पेट खराब की दवाई होती है, फिर भी ले आता हूँ। अपनी मिसेस के साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आपके ख्याल में कौन जीते? मैं और कौन? ये पूछना था सवाल। राणिया को लोग पूछ रहे हो तुझे? एक गुलाब आ गया फिर राणा जाग जाए। लगता है भाभी ये शो नहीं देखती। नहीं नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ। कक्की सैंड ने। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? बैगन। मैंने बेगन कभी वैसे सोचा नहीं था। सफेद बैगन। आपको अल्लाह ने वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? ओ, ये सवाल उनका था, वो जो वहाँ बैठी हैं। क्या खास दिया है जो मैंने आम, वैसे आम का सीजन आ गया। चले बस ठीक। गा लेता हूँ मैं। ओहो, तो फिर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जरा बोले वही हुआ। एक लाइन गा लेता हूँ। एक लाइन सर, ये सवाल हमने एंड से रखा ही हुआ। नसरन सुना दो ना, क्यों हो गया? अच्छा कोशिश कर, आप माजरत से। साइलेंस। ओके। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं उसेना, नैणा तो दूर ना करी होए नैणा। वाह 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 वाह। मुसाब भाई, इसका 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 जरा एक हाई नोट पे जाए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। इनको पता कैसे चला इनका नाम नैना है? और दिनों रात, इससे पहले कि हम यहाँ पे ये रिवील करें कि नैना कौन है, उनके कितने नैन हैं, वो नैनो नैन कितनी देर में होती है, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, यही मत जाएगा। नैनो बाइट। वापसी पे हम आपको नैनो को लीरो लीर करके मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। उमेर, ये बताइए कि आप ने एक तारीखी वाकया है, आप मतलब हम बेगम में रोप डालते हैं तो हमें भी झूठा मोटा रोप डाल देते, तो रोप आता सी, वो क्यों होया सी? बेगम मेरी खैर इंतहाई ज़हीन, वेरी हार्ड कोडेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। तो एक दफा हम लोग मियां बीवी बैठे गपशप कर रहे थे। खैर गपशप क्या, वो बोल रही थी मैं सुन रहा था। बिल्कुल। तो उसने कहा कि नहीं यार देखो, हमारी बड़ी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, और बड़ी आई मीन दिस विजडम इन दिस हिकमत है कि बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अलग चीज होती है। सो यू हैव टू बी अ हस्बैंड, एक श्योर होना चाहिए, एक आई मीन हर चीज पे आप बिल्कुल यारों दोस्तों वाली लिहाज नहीं करते, तो उसमें कोई फर्क चीज होती है। तुमने कभी जिंदगी में उस पर रोब नहीं डाला, कभी रोब डाला करो। तो मैं जब बात खत्म हो गई, मैं चुप करके गया हूं, और मैं बाथरोब लेके आया, मैंने बेगम के ऊपर बाथरोब डाल दी, जिसके बाद फिर मैं सिर्फ भागा। ये मियां शुक्र आदत थी बाथरोब के बगैर भागने की, तो वो तेजी से निकल गए। यार तुम इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं? मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हमें कोई तारीखी बात? ये दोनों लम से एक दूसरे को जानते थे जब सब चले जाते थे। इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो टीचर थे, अभी लम्स में हर वक्त कोई ना कोई रहता है। थिएटर। अच्छा थिएटर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, एंड यू हैव बीन डायरेक्टिंग, यू आर पैशनेट अबाउट थिएटर। तो मैं वाकया सुनाएं आप, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको प्ले करने जा रहे होते हैं, तो आप जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? आप उनसे लाइंस पढ़वाते हैं, टेम्परामेंट देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, क्या देखते हैं? देखो मेरा हमेशा, अब यहाँ शहजाद कैन टेल यू मोर अबाउट इट, बिकॉज़ शहजाद ने और हमने इकट्ठे फिर काम किया था इस पे। मेरा शुरू से ये था कि जब भी कोई प्रोडक्शन करनी है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या कोई प्राइवेट ग्रुप ही करे, तो बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। सो सिर्फ कास्ट की नहीं, क्रू की भी। ऑडिशन का जो प्रोसेस था वो सिंपल होता, मैं एक क्विक पैसेज देता था, और मैं कहता जस्ट गेट फैमिलियर विद द टेक्स्ट,
दुरुनी के रटा लगाऊ, एक एक करके मैं बुलाऊंगा। थोड़ा सा मैं जानता था, क्विक क्वेश्चंस, गपशप, रिलैक्स किया, जैसे मर्जी चाहो पढ़ो। फिर जो मेरे माइंड में होता था कि अजीब गरीब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फिर मैं उसके हिसाब से स्पिन डालता था कि या तो बेसिक इमोशन लेवल टू होता, बेसिक इमोशन सबसे आसान होता गुस्से से पढ़ो, फिर होता कि अच्छा नहीं जरा खौफ से पढ़ो, यू बेसिक इमोशन। फिर बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते थे कि एक नशई शेर की तरह पढ़ के सुनो, नशई शेर जिसका नशा टूट रहा हो, और फिर एक ऐसा पेंगुइन जो कि है ना सोना चाहता है लेकिन कोई सोने नहीं दे रहा, उसकी तरह पढ़ कर वो फिर अजीब और गरीब एलिमेंट्स निकाल के मैं आइस टू गेज वो कर। नशई शेर तो मैं हो गया, पेंगुइन वो बिजी बात से ही कर रहा है। हाँ मैं अभी जो आप थिएटर की बात कर रहे थे तो ये कहते हैं कि थिएटर जो है वो काफी मतलब थोड़ा खराब हो गया जब से डांस आया, आप लोगों ने जब डांस डाला है ये वो वाले नहीं। अच्छा सॉरी, ओके उमेर राणा नाम था ना, राणा हमारा अगला सेगमेंट होगा ना बोलती बात, तो हम यहाँ पे आपके सामने कुछ चलाएंगे जो आपको खुद नहीं पता। वो बच्चे का नाम पूछ रहे थे बच्चे, ये दर्ताजगुल थे, दर्ताजगुल है वो नाम पूछ रही है। हाँ। तो उसने जो नाम बताया है उसने उसपे कहा है ये नाम है, नाम तो चेंज करो। क्या नाम बताया तुमने? अच्छा पता नहीं, बहुत ही कोई नागवार नाम गुजरा है ना। कौन सा नाम हो सकता है? जमीन नहीं ये सोच रहे रमजान छिपा साहब का नाम बचपन से ही होगा, रमजान छिपा अजीब सा नाम है नहीं, दिस इज रमजान शिफा। मेघा शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या राणा सनाउल्लाह, किसी का नाम ले आओ आप। सना अच्छा ठीक है, हाँ भाई अब तो ट्राई कर लो। नवाज शरीफ मैंने पहले भी बोला, नवाज शरीफ। डॉक्टर साहब उसने जो दो नाम बताए उनमें से एक है, उन्हीं में से एक है, बता चुकी ऑलरेडी। राणा साहब तुम दसो। मुझे इससे ना एक वाकया याद आया, मेरे वालिद साहब अलैन, एक छोटा सा गांव है, सिटी यूएई, तो वहाँ बहुत पहले 69 के ही थे, तो उनकी दुकान पे एक बलोच काम करते थे, तो एक उन्होंने किसी और को एम्प्लॉय करना था, एक पठान आए, वो वजीराबाद वजीरस्तान से आगे से थे, तो पठान आए तो पता चला उनकी लड़ाई हो गई। तो लड़ाई सिर्फ इस बात हुई है वाले साथ नहीं, वो बलोच भाई की और अच्छा उनकी लड़ाई हो गई। तो नहीं किस बात पर लड़ाई हुई कि तुम हमारे नाम पे आसा क्यों है? मेरा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम टेलीफोन खान, टेलीफोन खान। तो मेरे ख्याल से इसका भी टेलीफोन खान नाम है। वैसे उसने पूछा है कि बेटा है या बेटी, तो उसने कहा बेटा, तो फिर उसने नाम बताया, तो मेरे ख्याल उसने नाम बताया होगा सरताज गुल, नाम तो चेंज करे। हाँ जी क्या नाम था भैया बता दो, सब सही नाम बताए। टेलीफोन खान सनाउल्ला, सनाउल्ला। अच्छा अच्छा ये अब ठीक नहीं, पूरा नाम था उमेर राणा सनाउल्ला बच्चे का नाम। अच्छा जी आपसे लोग सवाल पूछते हैं ना, आप जवाब देते हैं अक्सर अक्सर, जैसे आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ करने गए थे? क्या पढ़ा आपने वहाँ? मैं इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। तो उसके बाद आपने उसको अप्लाई काम पे किया, लॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने इंटर्नशिप क्यों की थी? क्योंकि सोचा कि काम करना चाहिए। हाँ। और सर उस वक्त लोग नहीं करते थे, और मैंने सोचा करने के लिए कोई माने खेज काम करे, रिसर्च का था काम। प्रोफेसर सज्जाद हैदर मरहूम थे, मुझे याद है उसके डिपार्टमेंट हेड, तो फिर मैंने रिसर्च की और सर्वे भी किया, डेटा कलेक्शन भी किया, एनालिसिस भी किया, बड़ा मजा आया। एंड दिस इज द टाइम व्हेन देयर वाज कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड डेटा वाज फेयरली बहुत कम, सो आई एम टॉकिंग अबाउट जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। हां सो दैट ईयर 98 दैट टाइम दैट वाज 1998। हां सर हमारा सेगमेंट है उसका नाम है बोलती तस्वीर। अच्छा तो यहां एक की तो बोलती हमने बंद रखी हुई है, एक को हाथ जोड़ के चुप कराते हैं, चौथा बाद आपके प्रेशर में चुप है, तो हम किस तस्वीरें लगाएंगे okay. और फिर उसपे ये सारे कमेंट के वहां से शुरू करेंगे, वो देखे मॉडल सपोर्ट पे चलेगी फॉरेन। नहीं अपनी चेयर ठीक कर रही थी कुछ भी। वाह वाह वाह। हाँ जी शहजाद भाई हम आपसे शुरू करते हैं। बिलावल, एंजेलिना जोली और बिलावल नहीं, ये उर्दन की मलका रानी है। अरे यार मैं तो आई वांटेड हिम टू कम बैक, कौन सी एंजेलिना है डॉग? आप भी सीरियस? अच्छा अच्छा अच्छा, उर्दन की क्वीन है, जॉर्डन की। वो जो साइड पे किसी ने हाथ ऐसे रखा हुआ ना शहजाद, वो ऐसे लग रहे जैसे क्वीन ऐसे खड़ी हुई। हाँ जी क्या बात हो रही है? शाबाश अव्वल आया करो, अव्वल आया करो, जैसे कारी साहब हमजा को कह रहे हैं। आज आपको खुद हो गए, मैं समझ नहीं आ रही क्यों सब इस तस्वीर में खो गए। डायरेक्टर के सामने लाइनें भूलने का रवायत बरकरार है। वो पूछ रही है पिछला वाला कहाँ है, बिलावल कह रहा है अब नाम नहीं ले सकते।
सकता है ये भी कह रही हो बेटे आपके अब्बू से पिछली दफा मुलाकात हुई थी, हमारी बहुत सारी चीजें गायब हो गई थी। आप इस पे बोलेगा मुस्तफा, मुस्तफा बताए आप क्या सोच रहे हो और सात वाला क्यों सो रहा है? एक्सप्रेशन तो हुआ बताए ना, पूरी बात करके बताए ना। यार मेरे ख्याल में ये इन्होंने कहा कि आप लोगों को इंतहाई तश्वीश और परेशानी है, लेकिन उनका हाथ नहीं टूटा, ये गाउन पहना हुआ है वो। मेरे ख्याल में कह रहे हैं थाईलैंड में सर्विसेज अच्छी नहीं मिली इनको। थाईलैंड की सर्विसेज किसको भी पता है? 1973 के आईन के तनाजुर में, बाकी मुस्तफा बताएगा। ये भी कह सकते हैं कि थाईलैंड में शायद अफरीदी बहुत मशहूर है, बूम बूम। जितने इस वीडियो में मौलाना फजल रहमान परेशान लग रहे हैं, लगता है मुफ्ती किफायत की वीडियो देख ली है। कंपटीशन नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो। हां जा, मैं वही उसके बाद कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात नहीं, बड़ी तो नहीं थी बात वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब आप बता दें बात बढ़ने लगी है। वो कह रहे हैं किससे बात करें भाई, जो है पहले वो निके का अब्बा था, कासम का अब्बा है भाई, हम अब्बों से ही बात कर रहे हैं। उसकी किफायत को अगर उल्टा करके देखो तो मैं राना भी लगेगा। वापस जाओ जरा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देवदास विल बी राइट। Welcome back after the break. Welcome to Mobile Code. मैं हूँ वो पेंगुइन, नहीं सॉरी, मैं हूँ अली सलमान और हमारे साथ आज मोबाइल कोर्ट में मौजूद है जनाब उमेर राणा साहब। उमेर आपके साथ आपके वकील सफाई हैं। आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा ज्यादातर आप अदालत जो है ये मक्खियों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। उमेर राणा आप पर इल्जाम है बहुत अच्छे सेल्समैन है, आपने हर बड़े स्कूल को थिएटर पढ़ाना बेच दिया। नहीं मैं बहुत बुरा सेल्समैन हूँ, लेकिन थिएटर जब मैंने बेचना था तो मैंने बहुत काविशों के बाद बेचा। बिल्कुल इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा जब ये बेचने के लिए गए, उन्होंने कहा थिएटर पढ़ाने की चीज थोड़ी है, ये तो करने की चीज है। उमेर आपके साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, आप पहले बहुत मीटू के हामी थे, फिर आपके साथ भी हुआ, क्या अब भी आप इसके हामी हैं? बिल्कुल मैं हक के साथ। हक के साथ देखने में हीरो हैं मगर स्क्रीन पे विलन का रोल ज्यादा करते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? ये खुला तजाद है मी लॉर्ड। मैंने हमेशा ही करना था, आई रियली वांटेड टू डू दिस, ये ऑडिशन था, आई एम इनोसेंट। सुना है आप नेगेटिव रोल सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाभी को डरा कर रख सके? नहीं, जो घर नहीं कर सकता वो मैं बाहर कर रहा हूं। आप पर इल्जाम है आप थिएटर करना चाहते थे, सोचा दूसरे तक की भरोसा रोल दे ना दे, इसलिए अपनी थिएटर कंपनी खोल ली ताकि हर प्ले में मेन रोल आप खुद कर सके। एक्चुअली नहीं, आप मैंने क्यों नहीं किया ये, बट नहीं आपने दो तीन काम नहीं किए, काला कोला भी नहीं किया। काला कोला भी नहीं किया, दैट्स ट्रू। आप काला मुकोला करवाना चाहे तो हमारे पर बंदोबस्त है वकील सफाई। मैंने हैरान होंगे आप शायद सुन के, मैंने थिएटर में शायद 20 थिएटर प्रोडक्शंस में एक्ट किया है और 62 प्रोडक्शंस की हैं और डायरेक्ट। वाओ, तो मैंने एक्ट किया। अगर आप सात और कर लेते तो 69 प्रोडक्शंस हो चुकी होती। वाह। लोगों से इज्जत करवाने के लिए कुछ और ना हुआ तो बाल सफेद कर लिए ताकि लोग इसी बहाने इज्जत करें, ये इनको किसने बताया? ये बात ठीक है। पॉपुलर थिएटर को आप थिएटर नहीं मानते, आपका कोई थिएटर पॉपुलर होने लगे तो आप उसे फौरन बंद कर देते हैं ताकि लोग उसे पॉपुलर थिएटर ना कहने लगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। थिएटर थिएटर होता है, असली हो या नकली। नहीं, सिर्फ एक दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि इमोशन और सोच उजागर करे। अब हमें समझ आया कि आपको पेट दर्द की दवाई इमोशंस की वजह से शायद आपने शुरू में बताया। आपने इंटेलेक्चुअल का गेटअप किया, इसका फायदा ये है बातों से खुद को इंटेलेक्चुअल साबित नहीं करना पड़ता, लोग देख कर ही कहते हैं वो देखो मैं इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं। बेहतरीन बात कर दी। आप क्या क्या लीक कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल? इन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि यूं लग रहा है कि अनवर मकसूद ने बाल छोटे करवा दिए। आप पर इल्जाम है आप आर्टिस्ट को दिहाड़ीदार कहते हैं जबकि दिहाड़ीदार आपको आर्टिस्ट कहते हैं। सही है। थिएटर शौक के लिए और टीवी पैसे के लिए किया करते हैं या टीवी शौक के लिए और थिएटर पैसे के लिए किया करते हैं? थिएटर में कहां पैसा जनाब, थिएटर में कोई पैसा नहीं है। आपने कभी पंजाबी में थिएटर नहीं देखा फैसलाबाद में? उनके पास तो बहुत पैसा नहीं, वहां राणा ऑडियंस में होते हैं, स्टेज पे नहीं। क्या तारीखी जुमला बोला है वकील सफाई,
राणा ऑडियंस इज राणा होता है थिएटर से राणा बेचारा सफाई कर माय लॉर्ड दैट्स अबाउट इट आई रेस्ट द केस विद यू सर नहीं करें जैसा वो अपना होमवर्क कर रहे हैं हमारी जो कोर्ट है जी सर ये किसी को सजा नहीं देती इज्जत देती है वाह क्योंकि इस कोर्ट के पास इतनी इज्जत है कि सबको इज्जत देती है फिर भी इसकी इज्जत खत्म नहीं होती वाह और गुड टू सी यू वाह 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 क्या बात है पहली बार डॉक्टर ने अंग्रेजी बोली तारीख ने अपने आप को फिर दोहराया गुड टू सी यू मिस्टर राणा इसका थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए उससे और अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है इनके लिए जो है बुलेट प्रूफ मर्सिडीज मंगवाई जाए और रेस्ट हाउस में रखा जाए और इनके लिए हमारे बहुत मोहब्बत है और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 4-5 माइक भी दिए जाए नाम लेना भी मना है आज और गेस्ट हाउस में थिएटर की भी अरेंजमेंट है ये भाई इधर बरी बाकी चीजें भी भाई वाला बरी बरी अंग्रेजी वाला बरी हो गए Now that we are about to sign off, मगर मैं आज हमने जो अपना शो जब इनिशिएट किया था शुरू किया था सब्जेक्ट था जहालत मनहसूल कौम हम या तो स्ट्रेस में वाकई बहुत हैं हम जल्दी में तो बहुत है हमें पता नहीं जिस बाइक वाले को देखो गाड़ी वाले को देखो लगता है उसको अल्लाह रहम करे किसी जनाजे पे जाना है किसी के ब्याह पे जाना बट जहालत आपके ख्याल में जहालत की डेफिनेशन क्या है मेरे नजदीक बुनियादी तौर पर इखलाक का फुकदान वाह वाह जब इखलाक होगा फिर जहालत खत्म हो जाएगी ये बुनियादी डॉक्टर आई थिंक वेरी वेल सेड इखलाक का फुकदान लेकिन इखलाक तो आप तरबियत के साथ नहीं डॉक्टर साहब एसोसिएटेड वो आपको घर से मिलती है बेसिकली मतलब वैसे तो जो है इग्नोरेंस जो है उसको लाइल्मी कहते हैं हाँ लेकिन हमने लाइल्मी को इतनी तरक्की दे दी है कि हम उसको जहालत तक ले गए वाह 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 कि हमको इल्म भी नहीं होता इल्म होता भी है तो फिर भी हमारे रवैये ऐसे होते हैं कि हम जाहल और बिल्कुल जो है किसी चीज किसी अच्छी बात जो है उसका हमने कभी कोई फायदा नहीं उठाया और हम अपने आप को बुरी बातों से प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते रहते हैं उमर थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू खवातीन और हज़रात जहालत ये भी है कि आप ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुखाएं कोशिश कीजिए कि देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड यू अपने मोबाइल से थोड़ी देर के लिए हट जाएं टेलीविजन स्क्रीन से हट जाएं इंटरनेट से हट जाएं उनको वक्त देना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपना ख्याल रखिएगा आपसे अगले शो में मुलाकात होगी तब तक इजाजत दीजिए आई हैव अ पिज्जा डिलीवरी टू गेट